डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स जो है ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाली जाती है। डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या है, डिटर्मिनेंट एसोसिएट अ वैल्यू टू अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स की कोई एक वैल्यू उसके साथ एसोसिएट करने के लिए डिटर्मिनेंट बनाई जा डिटर्मिनेंट को निकाला जाता है और वो उसकी उस मैट्रिक्स की एक वैल्यू होती है। अब हम 2x2 मैट्रिक्स, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। टू बाई टू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैल्यू निकालता है, यानी उस मैट्रिक्स का की एक वैल्यू निकालता है जो उसी मैट्रिक्स के साथ मखसूस होती है। डिटर्मिनेंट 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स जिसके रोज़ 2 हो और उसके कॉलम्स भी 2 हों, मसलन ये एक मैट्रिक्स है ए और इस मैट्रिक्स की, यानी ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हमने निकालना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू, ये लाइनें जो है जो मैट्रिक्स की लाइनें हैं ये लाइनें सीधी कर लेते हैं ए बी सी डी। अब ये जो सीधी लाइनें हैं ये बेसिकली इस मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे ब्रैकेट्स होती हैं, यहाँ पे लाइनें। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी इस मैट्रिक्स की वैल्यू किस तरह निकालते हैं, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं इनको पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ए और डी मल्टीप्लाई के बाद और माइनस, फिर जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो बी और सी मल्टीप्लाई हो गए, तो ए डी माइनस बी सी है। ये जो आंसर है या ये जो वैल्यू है ये इस मैट्रिक्स ए की वैल्यू है और इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। मसलन हम कोई एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं जो आपकी बुक में है। फॉर एग्जांपल हम ये मैट्रिक्स ले लेते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 1, 4 और 2, 8। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1, 4 और 2, 8। तो प्रिंसिपल डायगोनल पहले मल्टीप्लाई करें तो 8 × 1 माइनस 4 × 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 8 × 1 8 माइनस 4 × 2 8, तो ये आंसर आ गया 0। अब जिस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला है वो 0 है, तो ये ए मैट्रिक्स जो है ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ज़ीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आ जाए तो ए मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ज़ीरो ना आए तो फिर हम उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर। मसलन ये एक और मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 2-1, 4-3। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2-1, 4-3, और यहाँ पे इसका आंसर तो 2 × 3 - −1 × 4, तो 2 × 3 = 6 आ गया, −4 × −1 = −4, तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो 4 = 10। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Adjoint of matrix A. Of a matrix. अगर A हमारे पास एक matrix है, ए बी सी डी, तो इसका एडजॉइंट हम कैसे मालूम करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ये जो प्रिंसिपल डायगनल पे एलिमेंट्स हैं इनकी जगह आपस में तब्दील कर लेते हैं, और जो प्रिंसिपल डायगनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं दो बी और सी, इनके साइन चेंज कर लेते हैं। ये इस तरह हम एडजॉइंट बना लेते हैं। थैंक यू।